नमस्कार, आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज। डिमहासाओं में मतदान शांतिपूर्ण हुआ। अनुमानित 73.30% मतदाता वोट डाला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डिमहासाओ जिले में 254 मतदान केंद्रों पर मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अनुमानित 73.30% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और दिन भर सुधारपूर्वक सभी मतदान केंद्रों में स्मूथ रहा और लगभग 5 बजे खत्म हुआ। मतदान का प्रतिशत 113 हाफ लॉन्ग एसटी एलएसी खंड की 64 एसटी चुनावी क्षेत्र में 9 बजे तक 14% था, 11 बजे तक 38%, 1 बजे तक 53.87%, 3 बजे तक 65.54% और लगभग 5 बजे तक अनुमानित 73.30% है। अंतिम मतदान प्रतिशत कल सुबह दुरुस्त मतदान केंद्रों से मतदान अधिकारियों के रिपोर्ट से प्राप्त होगा। सिक्स डिफो एसटी संसदीय क्षेत्र के तहत 113 हाफ लॉन्ग एसटी एलएसी खंड के साथ ही 108 बोकाजान, 109 हावड़ाघाट, 110 डिफू, 111 रोंगहांग और 112 आमरी कार्बी एंगलोंग जिले के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के रूप में मतदान किया गया। इसे ध्यान में रखना चाहिए कि डिमहासाओ में 2019 में अंतिम लोकसभा चुनाव के दौरान 242 मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत 77.71% था, जहां डिमहासाओ में 16 हाफ लॉन्ग एसटी एलएसी खंड कार्बी एंगलोंग जिले के 3 स्वायत्त जिला का हिस्सा था। यहां 17 बोकाजान, 18 हावड़ाघाट, 19 डिफू और 20 बैथल अंगसो के साथ। I'm 186 in Bangalore, CSLP school. कैसा वहाँ वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग 84% हुआ। कुछ चैलेंजेस था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। सब नॉर्मली हुआ? नॉर्मली हुआ, सब ठीक ही गया। ठीक ठाक। नियाची बंगलो एलपी स्कूल डी हम लेक्स नंबर 104 104 कैसा अच्छा है। परसेंटेज तो कितना परसेंटेज रहा? 66.51 कुछ प्रॉब्लम तो नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसे नॉर्मली अच्छा से शांति से हुआ इलेक्शन तो सब ठीक ठाक ही रहा। इसी तरह हर एक खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए बुराइल न्यूज़।